नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय भागलपुर सिटी डेवलपर्स। भागलपुर शंकरपुर दियारा में पुलिस ने चलाया छापेमारी अभियान, गांजा भांग की खेती किया नष्ट। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में 12 साल बाद फिर शुरू होगी म्यूजियोलॉजी एंड टूरिज्म की पढ़ाई। कुलाधिपति ने कोर्स शुरू करने का दिया था निर्देश। राज्य महिला आयोग की सदस्य ने कटोरिया रेफरल अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए जानकारी। बांका में तेज रफ्तार बाइक सवार हादसे का हुआ शिकार, दोनों युवकों की हालत नाजुक। और नवगछिया में भारी मात्रा में डाबर कंपनी का नकली प्रोडक्ट बरामद, आरोपी फरार। और अब खबरें विस्तार से। भागलपुर गंगा दियारा इलाके में गांजा और भांग की अवैध खेती की जानकारी मिलने के बाद जोनल आईजी विनोद कुमार के निर्देश पर नाथनगर और जोगसर थाना पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर दियारा इलाकों में छापेमारी की। मंगलवार को नाथनगर थाना क्षेत्र मानिक सरकार घाट होकर गंगा दियारा जाने वाले रास्ते में अवैध रूप से फसल की आड़ में गांजा भांग की खेती को पुलिस ने नष्ट किया। इस दौरान पुलिस ने दियारा इलाकों के कई घरों में भी छापेमारी की। हालांकि पुलिस को छापेमारी के दौरान कुछ हाथ नहीं लगा। आपको बता दें कि पिछले दिनों भागलपुर पहुंचे डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने पुलिस को क्राइम कंट्रोल के सख्त निर्देश दिए थे, जिसका असर दिखने लगा है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में 12 साल बाद म्यूजियोलॉजी एंड टूरिज्म कोर्स की पढ़ाई शुरू होगी। भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग में इस कोर्स की पढ़ाई को लेकर तैयारी की जा रही है। विभाग ने नामांकन संबंधित कार्यक्रम जारी कर दिया है। कोर्स फी 10,200 रुपये है। प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर बिहारी लाल चौधरी ने कहा कि डिप्लोमा कोर्स के तहत एक साल का पठन पाठन होगा और कोर्स शुरू करने वाले छात्रों को पीजी डिप्लोमा का सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। हम आपको बता दें कि तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के 45वें दीक्षांत समारोह के दौरान कुलाधिपति लालजी टंडन ने कुलपति प्रोफेसर लीला चंद्र साह को PGDMT कोर्स शुरू करने की बात कही थी, जिसके बाद कुलपति ने 2007 से बंद पड़े कोर्स को दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया। प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति पुरातत्व विभाग पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट है, इसमें एक डिप्लोमा कोर्स आरंभ होने जा रहा है, जिसमें कि नामांकन की प्रक्रिया शुरू है। ये जुलाई से एक साल का, जून तक का एक साल का कोर्स है और ये टूरिज्म और म्यूजियोलॉजी में डिप्लोमा का कोर्स है। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट के बाद किसी भी डिसिप्लिन में पोस्ट ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं। बिहार राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर निक्की हेमरम ने कटोरिया रेफरल अस्पताल का निरीक्षण किया। गर्मी एवं बारिश के मौसम में विषैले जीवों के दंश से जख्मी मरीजों के लिए उपलब्ध दवाओं की जानकारी ली। डॉक्टर हेमरम ने अस्पताल के आउटडोर इंडोर महिला वार्ड का निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था का भी जायजा लिया। जानकारी के दौरान डॉक्टरों ने अस्पताल में पर्याप्त मेडिसिन उपलब्ध होने की बात कही। बांका अमरपुर थाना क्षेत्र कुल्हरिया गांव के समीप सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर उपचार के लिए भागलपुर मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि सुनील शर्मा अपने दोस्त अमृत सिंह के साथ हाट से घर वापस लौट रहा था और मवेशी को बचाने में गाड़ी अनियंत्रित होकर गड्ढे में जा गिरा, जिससे कि दोनों युवक जख्मी हो गया। डावर इंडिया लिमिटेड कंपनी के नाम नकली और फर्जी तरीके से डावर प्रोडक्ट उत्पाद का मामला प्रकाश में आया है। कंपनी के कुमार दयाशंकर ने इसकी सूचना नवगछिया गोपालपुर पुलिस को दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गोपालपुर सैदपुर पंचायत के कहर टोली से भारी मात्रा में नकली डावर प्रोडक्ट बरामद किया है। थानाध्यक्ष श्रीकांत ने कहा कि आवेदनकर्ता के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। भागलपुर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मंगलवार को रेलवे मजिस्ट्रेट दीपक कुमार यादव के नेतृत्व में सघन टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया।
मजिस्ट्रेट ने सभी यात्रियों को प्लेटफॉर्म एवं यात्रा की टिकट के बिना रेल यात्रा नहीं करने की सख्त हिदायत दी और कहा कि बिना टिकट के पकड़े जाने पर जुर्माने के साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही रेलवे के अधिकारियों एवं RPF को नियमित अंतराल पर सभी प्लेटफॉर्म एवं ट्रेनों में टिकट चेकिंग अभियान चलाने का निर्देश दिया। स्टेशन अधीक्षक समर कुमार सिंह ने कहा कि सभी यात्रियों के लिए नियमों का पालन करना अनिवार्य है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए सिल्क टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। भागलपुर TNV कॉलेज के वित्तीय विभाग में सत्र 2019-22 सेमेस्टर 1 की कक्षा शुरू हो चुकी है। मंगलवार को इंट्रोडक्शन क्लास के दौरान प्राचार्य प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने छात्र छात्राओं का परिचय प्राप्त किया और लगनशील होकर पढ़ाई करने की बात कही। वहीं BCA के समन्वयक डॉक्टर राजीव कुमार सिंह ने कहा कि कक्षा में छात्र छात्रों की 75% उपस्थिति अनिवार्य है। भागलपुर में जल संकट की समस्या का समाधान अब निगम प्रशासन खुद करेगा। शहरवासियों को जलापूर्ति के लिए बरारी वाटर वर्क से 58 डीप बोरिंग से वाटर सप्लाई और इसकी देखरेख का जिम्मा अब निगम प्रशासन के पास आ गया है। शहरवासियों को लगातार हो रहे पेयजलापूर्ति की समस्या और पाइपलाइन बिछाने की धीमी रफ्तार के कारण बुटको ने पैन इंडिया को टर्मिनेट कर जिम्मेदारी निगम प्रशासन को फिर से सौंप दी है। शहर में पाइपलाइन बिछाने का काम भी पैन इंडिया से छीन लिया गया है और फिर से नए सिरे से निविदा निकालकर नए सिरे से अन्य कंपनी को कार्य सौंपा जाएगा। उप महापौर राजेश वर्मा ने कहा कि पिछले कुछ समय से शहर में पेयजल संकट से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब पेयजलापूर्ति के लिए निगम प्रशासन आवश्यक संसाधनों की खरीदारी कर हर संभव समस्या का समाधान करने का प्रयास करेगी। जलापूर्ति के लिए 10 टैंकर खरीदे जाएंगे, साथ ही नगर निगम अतिरिक्त मोटर की खरीदारी करेगी जिससे कि आपात स्थिति में 48 घंटे के अंदर जलापूर्ति बहाल की जा सके। शहरवासियों को पानी पिलाने की जवाबदेही पैन इंडिया की थी। पैन इंडिया ही हमारे 58 डीप बोरिंग, सभी जल मीनार, वाटर वर्क्स, बाड़ी वाटर वर्क्स और सप्लाई का पानी, ये पूरा मेंटेनेंस का काम और इसका देखभाल पैन इंडिया करता था। अब इस काम की जवाबदेही बांट दी गई है, जिम्मेदारियां बांट दी गई है, जिसमें पाइपलाइन बिछाने का काम बुडको के द्वारा निविदा निकालकर किसी अलग अलग कंपनी को दिया जाएगा और काम जल्दी हो, बेहतर हो, इसके लिए उसको टुकड़ों में बांट कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ अब भागलपुर नगर निगम के ऊपर ये जवाबदेही दी गई है कि हम 58 जो डीप बोर हमारे पास, जो भी हमारे पास चापाकल है, जो हमारे पास बराड़ी वाटर वर्क्स है, वहां से लोगों को शुद्ध पेयजल आपूर्ति हम लोग करा सकें। भागलपुर DRDA सभागार में नेहरू युवा केंद्र की ओर से राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक साक्षात्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। DDC सर राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक चयन समिति के अध्यक्ष सुनील कुमार, नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा समन्वयक कार्यक्रम संयोजक कुंदन सागर, डायरेक्टर DRDA ने जिले के सभी प्रखंडों से आए चयनित स्वयंसेवकों का साक्षात्कार किया। इस दौरान प्रतिभागियों की स्क्रीनिंग कर कागजातों की जांच की गई। हम आपको बता दें कि साक्षात्कार में सफल अभ्यर्थियों को एक वर्ष के लिए प्रखंड में नियुक्त किया जाएगा और सभी प्रखंडों में दो दो अभ्यर्थियों को भेजा जाएगा। कंप्यूटर और मोबाइल की जानकारी वाले अभ्यर्थियों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। दिलीप सिंह ने कहा कि सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार के साथ रचनात्मक कार्यों को धरातल पर उतारने का कार्य PFMS के तहत चयनित स्वयंसेवक करेंगे। इस अवसर पर काफी संख्या में महिला पुरुष अभ्यर्थी मौजूद थे। रेड स्वास्तिक सोसाइटी बिहार चैप्टर की भागलपुर शाखा द्वारा दल्लू बाबू धर्मशाला में आयोजित दिव्यांग सेवा शिविर के चौथे दिन 68 दिव्यांगों का पंजीयन किया गया।
जिसमें 17 को कैलिपर्स, 11 को कृत्रिम पैर एवं 14 दिव्यांगों का चयन वैसाखी के लिए किया गया। सभी चयनित दिव्यांगों को शिविर के समापन समारोह 4 जुलाई को उपकरण प्रदान किया जाएगा। इस दौरान जिलाधिकारी प्रणव कुमार की मौजूदगी में डॉक्टर पवन ने दिव्यांगों को कृत्रिम पैर लगाया। डीएम ने सोसाइटी द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि जितना संभव हो सके दिव्यांगों और जरूरतमंदों की सेवा करनी चाहिए। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रशासन वैसे छात्रों को एक और मौका देगा जिसकी परीक्षा 27 जून को छूट गई थी। दरअसल परीक्षा विभाग ने स्नातक पार्ट 3 के परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव किया था, जिसके कारण कुछ छात्रों ने 27 जून को ही परीक्षा दी थी, तो कुछ छात्र पूर्व में ही जारी नोटिस के आधार पर 28 जून को परीक्षा देने पहुंचे थे। कुलपति प्रोफेसर एलसी शाह ने परीक्षा से वंचित रहे छात्रों के लिए 8 जुलाई को दोबारा परीक्षा लेने की तिथि जारी कर दी है। वहीं मंगलवार को परीक्षा शाखा में कुछ छात्र पेंडिंग रिजल्ट की समस्या को लेकर भाग दौड़ करते दिखे। लोदीपुर के मोहम्मद गौहर अली ने कहा कि रिजल्ट की समस्या को लेकर 10 माह से विश्वविद्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। यहाँ तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, चूँकि 10 मीटर महीना पहले भी एक रिजल्ट के लिए सुधार करने के लिए यहाँ पर आए बच्चे ऑनर्स में पास हो गए थे, सब्सिडरी में फेल थे, तो उसे प्रमोटेड कर दिया गया, फिर दोबारा री एग्ज़ाम दिया गया तो सब्सिडरी में पास हो गए, लेकिन फिर ऑनर्स में उसको फेल कर दिया गया, जबकि ऑलरेडी वो पहले ही ऑनर्स में पास हो चुके हैं। उसी सुधार के लिए हम यहाँ बार बार चक्कर लगा रहे हैं, आज 10 महीना हो गया लेकिन अभी तक सुधार नहीं हो पाया है। जिले के 7 केंद्रों पर सोमवार को शुरू हुई फोगनिया एवं मौलवी की परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। मंगलवार को परीक्षार्थियों ने अरबी और पारसियन विषय की परीक्षा दी। कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने के लिए सभी केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। वहीं बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी निर्देश पर जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुसूदन पासवान परीक्षा केंद्रों पर पैनी नजर रख रहे थे। भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना के समीप मंगलवार की सुबह मोटरसाइकिल और ई रिक्शा के बीच जोरदार टक्कर में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक दर्द से करीब एक घंटे तक कराहता रहा, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। और अंत में चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय भागलपुर सिटी डेवलपर्स। भागलपुर शंकरपुर दियारा में पुलिस ने चलाया छापेमारी अभियान, गांजा भांग की खेती किया नष्ट। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में 12 साल बाद फिर शुरू होगी म्यूजियोलॉजी एंड टूरिज्म की पढ़ाई, कुलाधिपति ने कोर्स शुरू करने का दिया था निर्देश। राज्य महिला आयोग की सदस्य ने कटोरिया रेफरल अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए जानकारी। बांका में तेज रफ्तार बाइक सवार हादसे का हुआ शिकार, दोनों युवकों की हालत नाजुक। और नवगछिया में भारी मात्रा में डाबर कंपनी का नकली प्रोडक्ट बरामद, आरोपी फरार। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए सिल्क टीवी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।